कर रहा है, सो जाऊं यहाँ पे। अभी मुझसे भी ना हो पाएगा माँ, हो जाए, परसों गर्मी होगी। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। बाकी मैं भी एकदम ठीक हूँ और एक न्यू व्लॉग लेके आ गई हूँ बहुत ही फुर्ती के साथ क्योंकि मैं हूँ घर में अकेली, और जब मैं घर में अकेली होती हूँ तो मैं खुल के बात कर सकती हूँ। वो अलग बात है कि जब वीडियो सब देखते हैं तो मैं ऐसे हो जाती हूँ। चलो अभी आप लोगों को ना मैं मौसम दिखाती हूँ, मतलब इतनी ठंड हो रही है ना अभी, आपको मतलब आपको कैसे दिखाऊँ। ये देखो इतनी हवा चल रही है, आज बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। और मैंने सोचा था कि मैं आज पानी के साथ ना ये सारा कुछ क्लीन करूँगी, लेकिन ठंड इतनी है कि क्या करूँ। लेकिन देखो झंडे कैसे वो कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। तो देखो मतलब बहुत हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा। छोटी मम्मी के मिस्त्री आ गए, हमारे तो छुट्टी होगी ना, तो ये आगे ठंड में कैसे काम करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसे पता नहीं ना लग रहा तो देख लेना मेरे बाल ऐसे ऐसे उड़े ना। हाँ तो रात को दो थी इसलिए उड़ रहे हैं ये अच्छे से, नहीं हवा चली है। तो देखो ये सारे कोने साफ करने हैं, ये सारा कुछ निकालना है, और इधर से भी ये सारा कुछ, ये फटियाँ लेके नीचे फेंकनी है, ये सारा गंद वंद, ये सारा कुछ यहाँ से फेंके वहाँ, यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ, ये सड़ा हुआ वहाँ, ये बोतल वहाँ, क्या करूँ ना। मतलब काम देख के ना भूख लग जाती है, मतलब भूख भी क्या बताऊँ मैं वैसे हो जाती हूँ कि मैं करूँ क्या। तो पहले खाना खा लेते हैं फिर दूसरा काम करते हैं। बिना मजा आ जाए, मजा अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं बोल रही हूँ। लस्सी जमाई बेकार है क्या मम्मी? थैंक यू वेरी मच, अभी खाना खत्म नहीं हुआ कि चाय हाजिर। ये अभी मैंने खा लिया खाना, तो अभी चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ और काम। और यार ठंड में ना मतलब चाय मिल जाए और चाय पी के ना सत्यानाश, और अगर चाय में अदरक ना हो ना, मतलब तो चाय फीकी है ना, अदरक के साथ चाय बस मिलती रहे और क्या चाहिए यार लाइफ में। जी अब मिले, मतलब मैंने चाय पी ली और मुझे अब मिल गया, मेरा मन कर रहा कि फिर से चाय बना के फिर से खाऊं। अगर मैं ये करती हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मम्मी खेतों से आ जाएगी, फिर मेरी बारी आ जाएगी। तो मैं नहीं खा सकती, अब मैं कहूँगी तुझे छुपा देती हूँ, तो पता नहीं कौन खा। तो अभी मैं जा रही हूँ खेतों में, मतलब थोड़ा काम है तो ये गया है। अगर तो खेतों में जा रही हूँ तो डोली छोड़ी, मतलब डोली जा रही हूँ खेतों में, थोड़ा काम कर लेते हैं और धूप भी लग जाएगी यार। मैं बाहर अंदर मतलब थोड़ा वो कर रही हूँ, कर रहा था वैसे मुझे सफाई ऊपर वाला काम था, लेकिन चलते हैं खेतों में, मम्मी ने बोला था मुझे। तो ये है पल्ली, इसमें मैं घास बांध के लाऊंगी, लेकिन घास मैं बकरियों के लिए लाऊंगी, भैंसों के लिए नहीं। तो ये देखो ये सारी जगह ना मैं थोड़ी खुली खुली कर दी, मतलब गाड़ियाँ नीचे भी आ सके ना वहाँ तक, तो ये सारी कर दी। बाकी घर लोगों, आप लोगों ने तो मेरा घर देखा ही है, तो ये बन चुका है। तो मैं फास्ट जा रही हूँ क्योंकि मैं हो गई घर में लेट यार। आज बड़े दिनों बाद जा रही हूँ मैं खेतों में, मतलब पता नहीं कैसे क्या है। तो बकरियों के लिए लेके आना है मुझे, मम्मी भैंसों के लिए ले आएगी, तभी जा रही हूँ मैं। बाद में याद आया मुझे कि मम्मी ने बोला था कि बकरियों के लिए लेके आना, मैं तो वीडियो के चक्कर में वैसे ही रहेगी घर पर। ये देख रहे हो यहाँ पर ना, इस जो दराती है ना इसकी धार जो है तेज़ करते हैं, लेकिन मुझे करने नहीं आती, मम्मी करती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बोल रहे हैं सारे पेड़ पौधे कि शिवानी तू कहाँ जा रही है यार, तूने मनोहर शक्ल दिखा दी हमें इस रास्ते पे। यहाँ बड़े दिनों बाद इस रास्ते से मैं, नहीं तो रोड से ही आती थी। तो ये देखो हमारे यहाँ कितनी अच्छी गेहूँ हो रखी है ना, पिछली आपने वीडियो देखी होगी दीदी तो कितनी बेकार थी। और ये देखो जी ये पूरी ख़राब करके रखी है ना, ये वो आते हैं जानवर तो वो सारी ख़राब कर देते हैं। भागती वो तू इसलिए बोल नहीं पाती, अभी जोर जोर से बोल रही। अभी यहाँ पर ना सामने इतनी प्यारी धूप, मन कर रहा है यहीं बैठ जाऊँ दो तीन, मतलब दो तीन बार सो लूँ दो तीन बार कौन सोता है, मतलब मन कर रहा है सो जाऊँ यहाँ पे अच्छी अच्छी धूप में। तो अभी ये देख रहे हो सामने ये वाला, ये कपड़े का गुड्डा सा बना के रखा है, आगे रखा है ताकि जानवर जो है कन्फ्यूज़ हो जाए कि ये इंसान है ये क्या है, फिर इसको देख के शायद आते नहीं है, इसलिए ये लगा रखे हैं सभी ने। हमने नहीं लगाए वैसे, क्योंकि हमारे जानवरों को पता है, वो बड़े तेज़ है, उनको पता होता है कि भाई ये गुड्डा ही है। देखो मैंने कितना काट लिया, बहुत हो गया ना बकरियों के लिए, दो बकरियां हैं यार, उनको मैंने ना 5-7 दिन के लिए इकट्ठा कर दिया, ले लिया। और अभी जा रही हूँ मैं घर, और मुझे ना इसको देख के याद आ गया, इसको हमारे यहाँ पता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांस, हिंदी में भी शायद बांस ही बोलते हैं। तो ये बांस है ना, इसको लंबे लंबे वो होते थे, और जब हम छोटे होते थे ना तो इसको लटकते थे हम, तो एक बार मेरी बहन लटकी
ऐसे मतलब ऐसे ऐसे जाना ऊपर, तब करना वो पता नहीं क्या करना। अरे नहीं गलत बोल दिया। जब नीचे होते थे ना तो एक बंदा ऐसे खींचेगा उसको नीचे को, एकदम ऐसे नीचे को, फिर उसको ना ऐसे ऐसे, ठीक है इतनी लंबी। घर जाती हूँ, हाँ फिर मिलती हूँ मैं। तो अभी आप मुझे ये देख सकते हैं, ये देखो मेरी परछाई। तो मैं जा रही हूँ घर और आप देख सकते हैं मैंने कितना उठाया है। ठीक है आगे से और दिखाती हूँ, आगे धूप अच्छी आ रही है ना। ये यो, हाँ जी चलो। आ गई हूँ घर और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या काम करूँ। रोज डेली वीडियो में बोलती थी ऊपर सफाई करनी, ऊपर सफाई करनी, आज ठंड है, कल गर्मी थी, कल मैं बीमार थी सॉरी, आज जो ठंड है परसों गर्मी होगी तो काम करूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं इलेक्शन की लहर जो है आपके सामने बैठी है। आज रिजल्ट आने वाला है और ये बंदा सुबह ही बैठ चुका है चाय का आनंद लेते हुए, साथ में देखते हुए कि कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस। तो पार्टी दे देना बाद में, ठीक है जो जीतेगा तुम्हारे वाला। थैंक यू ट्रेन दे रही, चाय दे रही। हेलो चाप की है ये भी मेरा है। देखो आंटी पता नहीं बस का वेट कर रही है, यहाँ पर बस नहीं आती, कहाँ जा रहे हो आंटी। हाँ तो ये मेरी भतीजी ना, हाँ तो भतीजी को जा रहे हैं वो लगवाने इंजेक्शन। बाय बाय, ध्यान से लेना यार, इतनी हवा चली हुई है वैसे भी। मैं पी रही हूँ चाय, चाय पे चाय। काम को कुछ करना है नहीं, मुझे करना है काम करना है आज। मुझे ये वाला कमरा मैं क्यों करूँगी, ये कमरा तो भाई का है तो मैं पहले करूँगी अपने वाला, ये वाला। तो अभी ये हमारे औजार हैं जिससे हम अब सारी घटना का वारदात करेंगे पता नहीं देंगे जो भी है इससे करेंगे। ठीक है ये मेरी माता, बाय। ला 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 ला। कुल्फी जम रही है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा मम्मी अभी काम करने का, तो कहाँ किया जाए, सो जाए। चलो और यार थोड़ा और कर लेती हूँ। मालकिन चाय चाहिए? यस यस। देखो मेरी माँ और मैं अभी भी सफाई पे पूरी लगी हूँ और मेरी माता बैठ चुकी है। अभी मुझसे भी ना हो पाएगा माँ, अब ना ही होगा और मुझसे। यार तो मैं भी थक चुकी हूँ, बहुत कर लिया हमने, तो देखो कितना कर दिया पूरा। वहाँ से कर रहे थे साफ 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 और पूरा भूत बन गई हूँ मैं तो। कैमरे के आगे, हाँ अब ठीक आई है, पूरी भूत बन गई हूँ मैं। तो अभी थोड़ा फ्रेश करते हैं, फ्रेश होते हैं। यार समझ नहीं आता, एक टाइटल का नहीं पता लगता, थंबनेल का नहीं पता लगता क्या बनाऊँ, तो मैं जैसे बना दूंगी। कान में तो नाक बोल लिया करो, मेरे कान में बहुत दर्द होती है जब तुम लोग जोर से बोलते हो। तुमको नहीं लाऊंगी मैं फोटो, तुम लोगों को छड़े लोगों को अपने उसमें नहीं लाऊंगी, मैं अपनी अकेली की डाल दूंगी ऐसी। आज की मैंने घर की सफाई, आज घर की सफाई करते करते गिर गई। क्या चाह? वो भी मैं ठाकुर शिवानी ब्लॉग्स वाली चाय लेके आऊँ आपको, काम मैंने किया, चाय आपको। मेरी मदर मुझे बोल रही कि चाय लाओ, कैसे बोल दिया भाई, एक बार बोलते तो सही। सॉरी बंद कर दी थी। ओए
बिच नहीं बोलना। तो भी मेरी माता बोल रही है कि मेरे लिए चाय लेके आओ, तो मोम मैं जीती हूँ आप हार रही हो ठीक है, क्योंकि आपकी आंखें मेरे से पहले बंद हो गई, जबकि होनी नहीं चाहिए थी मेरे से पहले, पहले मुझे मरना है मम्मी। नहीं मजाक कर रही हूँ, तो मैं जीत गई मम्मी हार गई, मम्मी की ना मम्मी थक गई, मैंने इतना काम किया भी है। तो अभी मम्मी बोल रही है कि मेरे लिए चाय बनाओ, तो मैं वीडियो में हाँ कर दूंगी कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं जैसे बंद करूंगी ना मैं नहीं बनाऊंगी, मैं तो रेस्ट करूंगी यार, टाइम बहुत हो गया है। तो यार मैं जा रही हूँ अभी खेतों में, चलते हैं आप लोग भी चलो साथ में। और मुझे ना फोन वहां लग जाए।